स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड। हमने एक सवाल किया था स्ट्रेट लाइन का, अब हमारे पास आ गया स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का हमने सवाल किया था, ये रहा कॉस माइनस साले चलियो डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ इन ईयर। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन का था, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब ये हमारे पास सवाल है स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड। स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें परसेंटेज हमारे पास होती है, डेटा हमारे पास सवाल का वही है। कॉस्ट ऑफ मशीन 1 लाख, सैलरी ऑफ द मशीन 20,000, लाइफ इन ईयर 5 ईयर, द कंपनी यूज फॉर कलेक्टिंग डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड 10%। कंपनी यूज करती है 10% डिमिशन आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। इसने कहा टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अपने कैलकुलेशन निकालना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। फार्मूला आपके पास क्या है, कॉस्ट माइनस सैलरी चलियो मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज। ठीक है, आपने परसेंटेज निकाल दिया, आपका क्या निकलेगा एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक, अब देखिए इसी फार्मूले को हम लेके चलते हैं। कॉस्ट हमारे पास है 1 लाख रुपये, हमने 1 लाख रुपये ले ली। ठीक है, कॉस्ट की जगह हमने 1 लाख रुपये माइनस सैलरी चलियो 20,000, तो हमारे पास कितना निकला है 80,000। इस 80,000 पे हमें अप्लाई करना है 10%। ठीक है, 100 × 10 तो कितना निकलाएगा हमारे पास 8,000 डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये हमारे पास निकला। सिंपल सा, कॉस्ट माइनस सैलरी चलियो, कॉस्ट माइनस सैलरी चलियो, जो अमाउंट निकल आई उस पर हमने 10% अप्लाई कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट लाइन परसेंटेज में ये पहले साल का निकला है, दूसरे साल का भी ऐसे ही निकलेगा, सेकेंड ईयर का अगर आपने निकालना है वो भी ऐसे ही निकलेगा। क्या निकलेंगे, कॉस्ट 1 लाख रुपये माइनस साले चलो 20,000, कितने आए 80,000, 80,000 पे आपने 10% अप्लाई करना है तो कितना निकलेगा आपका 8,000 एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकलाएगा। सही, थर्ड ईयर भी ऐसा होगा, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, जितने साल का डेप्रिसिएशन निकालेंगे सारा इसी तरह निकलेगा। थर्ड ईयर का भी आप इसी तरह निकाल लेंगे, आपके पास क्या निकलेगा, यही फार्मूला, यही कॉस्ट माइनस साले चलियो, कितने आ गए आपके पास इक्वल टू 80,000। 80,000 का आपने 10% अप्लाई किया तो आपके पास 8,000 एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला है। परसेंटेज में आपने इसी तरह डेप्रिसिएशन निकालनी है, एक ही अमाउंट निकलेगी हर साल 8-8 या 10-10 जो भी है। अच्छा, यहाँ पे देखें ये जो परसेंटेज आपके पास दी हुई है 10%, सवाल में अगर आपको नज़र आ रहा है ये जो 10% लिया है, बाजू पर 10% नहीं दिया होगा, कह देते हैं कंपनी यूज स्ट्रेट लाइन मेथड, परसेंटेज नहीं दिया। परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, उसका फार्मूला हमारे पास है, अगर परसेंटेज ना दिया टू कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, इफ परसेंटेज इज नॉट गिवन, अगर परसेंटेज आपके पास नहीं दिया तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाते हैं, हमारे पास फार्मूला है उसका। ठीक है, क्या फार्मूला हमारे पास है, 1/100 ये हमारे पास फार्मूला, 1/100। अब देखिए हमारे पास 1 लाइफ कितनी थी सवाल में, 5 ईयर। ठीक है, हम यहाँ पे 5 ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब देखिए किस तरह निकालेंगे, ये सवाल में आ गया, ये हमारे पास 1 है, 1 को डिवाइड किया 5 से, लाइफ 5 थी, फिर मल्टीप्लाई किया 100 से, तो हमारे पास कितना लगा 20%। ठीक है, कितने परसेंटेज निकला हमारे 20%, हमारे पास 20% निकला है। तो हमारे पास ये फार्मूले में लगाएंगे तो हमारे पास क्या निकलाएगा, परसेंटेज। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर सवाल में परसेंटेज नहीं दिया हो, इस सवाल में तो परसेंटेज आपको दिया हुआ था, अगर परसेंटेज ना दिया हो तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला आपके पास ये है। ठीक है, 1/100
वन, लाइफ हमारे पास 5 ईयर थी, हमने इसको निकाला कितना 20%। ये स्ट्रेट लाइन में भी इसी तरह निकालेंगे और डिमिशिंग बैलेंस मेथड में भी ऐसे ही निकालेंगे। तो डिमिशिंग बैलेंस मेथड हमने किया था, अगर सवाल आपको याद हो, ये देखें इसमें भी परसेंटेज दी हुई थी, ये 20%। अगर इसमें भी परसेंटेज नहीं दिया हो तो यही फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर इसमें भी परसेंटेज ना दिया हो डिमिशिंग बैलेंस मेथड में, तो आपने यही फार्मूला यूज़ करना है, 1/Life × 100। अच्छा, एक और हमारे भी फार्मूला होता है, ये तो आपके फार्मूला था कि इसमें ये यूज़ करते हैं आपके अमेरिकन जितने भी राइटर हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाला फार्मूला। जबकि ब्रिटिश वाले एक और फार्मूला यूज़ करते हैं, ब्रिटिश राइटर को आप नज़र आएंगे, ब्रिटिश के अंदर जो फार्मूला यूज़ होता है वो आपके पास R=√(n/C)(n)S, ये S है, ठीक है, S, ये 1-n/S/C, ठीक है ना, ये क्या है S, ये आपके पास है S, 1n-Life cos salutary, ठीक है। इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपके पास ये लाइफ है ऊपर, फिर ये आपका रूट बना हुआ है, ये सालवेज वैल्यू है, और ये क्या है कॉस्ट है नीचे, ये लाइफ सालवेज वैल्यू कॉस्ट, सालवेज वैल्यू डिवाइड कर देंगे कॉस्ट है, फिर ये आपका रूट है, ऊपर लाइफ है जो भी लाइफ दिया, 1 में से माइनस कर देंगे आप इसका निकाल लेंगे। ये ब्रिटिश में दिया हुआ, ठीक, ब्रिटिश में ये फार्मूला यूज होता है, अमेरिकन में ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये आपका स्ट्रेट लाइन परसेंटेज मेथड है।